सर जोरदार गाया हो गया या कई कला उत्सव सभी अपने सोबत रणबीर कपूर यही इतने सभी लोग कृपया जितनी तालियां अभी मैं बजी है मैं चाहूंगी कि उससे डबल तालियां बजनी चाहिए और इसी उत्साह धूम के साथ आज हम यहां से जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। नमस्कार, आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने एक बड़ी हांडी सेरेमनी होस्ट किया है और मैं आप सबका आते हैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए हैं। आज से मुंबई फुटबॉल अरेना मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो मुंबई का दिल है वहाँ हमें खेलने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं श्री आदित्य ठाकरे शिवसेना पार्टी और सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है और दुआ करूँगा कि जब ISL शुरू हो और यहाँ हमारे मैचेस हो आप सब मुंबई वाले हमारे टीम को सपोर्ट करें, चीयर करें और इस साल हमें जिता लें। मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा और पहले से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ तो बुरा मत मानिएगा अगर कुछ इसमें खराब हो। आदित्य आई विल यू आशा करतो आपन सर्वे मैच बघायला भुटेया। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। आई लाइक टू इनवाइट, जैसे कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आज हम दयाली कोटे से करने वाले हैं और जब हमारे बीच इतने सारे कृष्णा हो तो शुभ रेस्ट करूंगी आप यहाँ पर पधारे और एक मिनट मैं इन दोनों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। सर मेरी भी मराठी इतनी ठीक नहीं है पर मैं बहुत दिल से बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ। आज आप एक नया आपने आज आपण इकडे आला त्याच्याबद्दल मंडळी आपली आभारी आहे, खूप खूप धन्यवाद। और स्पेशली सुनिएगा रणवीर सर आपके लिए भी, विमल सर आपके लिए भी और आदित्य जी आपके लिए। हो गया, कोशिश तो सब करते हैं, कोशिश तो सब करते हैं पर सबके सर पे ताज नहीं होता, कोशिश तो सब करते हैं पर सबके सर पे ताज नहीं होता, पैसे तो सबके पास है पर वो सुल्तान वाला अंदाज नहीं होता, वो सुल्तान वाला अंदाज नहीं होता। और इसी अंदाज के साथ जोरदार ताली के साथ मटकी ठाकरे जी और विमल पारिक जी जोरदार ताली हो जाए। जोरदार ताली हो गया या ऐसे हमारे अतिशय जबरदस्त अच्छा मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब की तरफ से रणवीर कपूर जो ओनर है ऐसे ही हमारे धर्मेश जी नीसर जोरदार ताली हो जाए उनके लिए जो मटकी पकड़ के खड़े आप सभी के बीच जोरदार ताली हो जाए धर्मेश जी के लिए। We'll be right back.
जी मोटो सहकार्य आमचे कार्य सम्राट नगर सेवक स्थायी समिति अध्यक्ष यशोधर जी पंचे ये आमच्या पाठीशी सतत उभे त्याबद्दल मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचे अनेक आभार व्यक्त करतो धन्यवाद हॅपी जन्माष्टमी पूछ लो चलो अच्छा क्वेश्चन नहीं है ना हो गया कोई क्वेश्चन नहीं हो गया नहीं है सो बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए मैं आप सबको और आदित्य की तरफ से भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं एंड एक्चुअली ये भी ऐलान करना है कि मुंबई फुटबॉल अरेना भी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड होगा और इससे बेहद खुशी हो रही है सो थैंक यू आदित्य थैंक यू टू शिवसेना पार्टी टू एवरीबडी टू बीएमसी इन्वॉल्व एंड यही दुआ करता हूं कि ये साल जब आईएसएल शुरू हो तो बड़ी जनता तादाद में आए फैंस सपोर्ट करने चेयर करने एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल योर अगेन मी पण सगळ्यांना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा देतो सर्वप्रथम रणबीरला खूप थँक यू इथे आल्याबद्दल कारण आज दहीहंडी इथे सेलिब्रेट करतो आहे पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रणबीर ज्या मॅचमध्ये खेळला इथे नवीन ग्राउंड जे झालेलं आहे फुटबॉलचं त्या ग्राउंडचं आज मुंबई सिटी FC हे होम ग्राउंड करते आहे ISL साठी बहुत ही खुशी की बात है और 3 तारीख को 3 सप्टेंबर को यहाँ ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद 50 सालों के बाद इंटरनेशनल फ्रेंडली होने जा रही है इंडिया वर्सेज पोर्टोरिको तो आप सभी का स्वागत करता हूँ धन्यवाद फुटबॉल की हंडी हाँ बिल्कुल और पहली बार मैंने एक मटकी तोड़ी है तो मुझे पता नहीं कि कितना जोर लगता है तो जब मैंने मारा वो सब जो मेरे पे घिरा है थोड़ा मेसी था लेकिन टेस्टी बहुत था आई एम श्योर उनको भी बहुत लुत्फ आया तोड़ने में और ये गुड लक की हंडी है गुड लक की ना बस गुड लक चाहिए गुड लक की हंडी है गुड लक दे दो बिल्कुल यू नो जब भी मैं बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ाई करता था और जो शिवाजी पार्क के बहुत करीब है तो उस वक्त जब भी दही हंडी का अवसर होता था तो मुझे याद है कि बहुत एक लंबी पिरामिड बनती थी लोग गिरते भी थे जो बहुत डेंजरस था बट देखने में बहुत मज़ा आता था आई थिंक ये जो कल्चर है हमारा महाराष्ट्र का ये कहीं और नहीं है एंड आई एम सो ग्लैड कि यू नो इतने साल बाद भी ये कल्चर ये परंपरा जारी है और एक प्रार्थना करता हूँ कि आगे जाके भी ये होता जाए आज जैसे रणबीर ने हाथों में हंडी फोड़ी है मैं यही उम्मीद करूँगा कि अभी जल्दी ही जल्द ISL में ट्रॉफी भी हाथ में ले थैंक यू वेरी गुड हो गया वेरी गुड